नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट गुरुजी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग का टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपको पता है मैं आपको इसी टाइम एक देता हूँ रीजनिंग की एक वीडियो, जिसमें आपके पहले मैंने स्टार्ट करे थे 10 क्वेश्चन से। कल जो वीडियो हुआ था वो आपका 10 क्वेश्चन का हुआ था। हम इसी तरीके से क्वेश्चन को बढ़ाते चले जाएंगे। आज का जो क्वेश्चन ये लेकर आया हूँ टेस्ट, ये आपका 15 क्वेश्चनों का। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखने वाला आज जरूर मिलने वाला है। ठीक है, यदि आपको रीजनिंग पहले से आती है तो आप अपने रीजनिंग जज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख के जरूर जाओगे। यदि आप मेरे चैनल पहली बार है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी प्रेस कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और स्टार्ट कर लेते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। देख रहे होंगे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मेरा क्या आया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है देखिएगा, जैसे पहले क्वेश्चन में है होठ का संबंध मुस्कुराने से है। होठ का संबंध काहे से है? मुस्कुराने से है। ठीक है, तो आंख का संबंध काहे से होगा? आंख का संबंध काहे से होगा? तो दोस्तों ये आपको बताना है आंख का संबंध काहे से होगा। तो देखिएगा ऑप्शन है यहाँ पे 4। आंख का संबंध जो है, आंख का संबंध देखिएगा, काला आंख काली है होती है, लेकिन आपको आंसर भी उसी तरीके से बताना जिस तरीके से क्वेश्चन में मालूम किया, जिस तरीके से क्वेश्चन में आंसर दिया है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में रिलेट किया, इसी तरीके से आपको आंसर में रिलेट करना होता है दोस्तों। ठीक है, आंख का संबंध जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी, यानी कि झपकी लेना। आंख से क्या करते हैं आप? झपकी लेते हैं। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जैसे कि हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, मैं आपको बता देता हूं, ई आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा, ई एच जे और के एन पी एस बी एक्स इसको बताना है। आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आनी चाहिए इनकी पोजीशन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक दिन में आपको पोजीशन याद नहीं होने वाली है। यदि आप एक दिन में पोजीशन याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हम देखते हैं किस तरीके से करा है। ई की पोजीशन आपको मैंने एक बार बताया, ईजोटी का मतलब होता है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो ई का मतलब 5। ठीक है, एच का मतलब हो जाएगा, जे का मतलब 10, ये मैंने लिख लिया। एन का मतलब 14 होता है और के का 11 और पी का होता है 16। पी का होता है 16 और एच का मतलब होता है आपका 8। ठीक है दोस्तों, एच का मतलब होता है आपका 8। तो इस तरीके से देखिएगा, 5, 11 कितना जुड़ा है? 5 और 11 6 जुड़ा है। 8, 14 कितना जुड़ा है? 6 जुड़ा है। 10, 16 कितना जुड़ा है? 6 जुड़ा, यानी प्रत्येक में क्या जुड़ा है? 6 ऐड हुआ है। तो आप यहाँ पे भी ऐड कर दीजिएगा। 19 की वैल्यू होता है 16, एस की वैल्यू होती है 19, बी की होती है 22 और एक्स की होती है 24। 24 में वो 6 जब जोड़ोगे तो क्या होगा? 24 में वो 6 जोड़ोगे तो आपका 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। आपको पता है हमारी एबीसीडी जो होती है 26 तक होती है, लेकिन आपको क्या करना है? कंटिन्यू यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जेड के बाद क्या होता है आपका? ए बी सी और डी। यहाँ 26 है, 27, 28, 29 और ये हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डी। किसी ऑप्शन में आपको डी नजर आ रहा है, यानी कि दो ऑप्शन में डी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं। तो इसे और किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? 19 और 6 कितना होता है? 25। 25 का मतलब होता है 22। 25 का मतलब होता है 22। तो देखिएगा वाई और डी ऑप्शन में है, वाई और डी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होने वाला है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है। ये जो क्वेश्चन है ना, तीन
ये पहले तीन क्वेश्चन मैंने लिए एनालॉजी से, ये जो टेस्ट है ये मैंने प्रीवियस एसएससी से उठाया है, ठीक है। तो यदि आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से बनते ही चले जाते हैं। तो 357 का संबंध कहां से है, 714 से है। 468 का संबंध बताना है, 468 का संबंध बताना है दोस्तों। तो आपने देखा होगा अगर इसे आप क्या करते हो, इसकी गुणा 2 से करते हो, 7 × 14 और 35 × 70, ठीक है। यदि आप इसकी गुणा 2 से करते हो तो आपको कुछ ये मिलेगा, यदि आप इसकी गुणा भी 2 से करते हो तो इसको आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। इन 8 × 16 का 6 × 1, 6 × 12 और 13 × 3 × 1, 4 × 8 = 9। ऑप्शन में देखिएगा 936 है, ऑप्शन में 936 है दोस्तों। मुझे ऑप्शन जो मिल गया, ऑप्शन नंबर सी मुझे यहाँ पर मिल गया, यानी कि राइट आंसर जो मेरा यहाँ हो गया सी ऑप्शन हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो चलते एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए, और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 357 का संबंध कहां से, 714 से। 468 का संबंध कहां से, 468 का संबंध कहां से है, 468 का संबंध बताना है। तो यहां पे देखो क्या कर सकते हैं आप, इसमें को इतना ही और जोड़ लीजिएगा, 7 × 14 = 4 × 1 = 5 × 5 = 10 × 11 × 7 × 3 × 3 = 7, जोड़ने पे डबल करने पे और या, तो इसे भी आप डबल कर लीजिएगा, 4 × 6 = 8 8 × 16 = 6 × 1 = 6 × 12 = 13 × 3 = 1 = 4 × 8 = 9 936, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और समझ में आ भी रहे होंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में से शेयर भी कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी बार आपके बनते रहते हैं। ये डिपेंड करते हैं देखो आपकी नॉलेज पर, ठीक है, नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। लेकिन यदि आपके एबीसीडी से रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चन है तो आप भी पोजीशन याद कर लीजिएगा, ये भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा जैसे बादाम है, खजूर है, अखरोट है और काजू है, क्या क्या है ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा, एक ऑप्शन विषम है और 3 सम है, बादाम है खजूर है और जी आपका अखरोट है, खजूर है आपका, अखरोट है और एक आपका क्या है, और एक आपका काजू है, ठीक है, एक आपका काजू है। तो दोस्तों इसमें क्या डिफरेंट नजर आ रहा है, देखिएगा बादाम भी एक गिरी है, खजूर गिरी नहीं है, खजूर को आपने देखो बिना छीले खाया जाता है, अखरोट भी एक गिरी है और काजू भी एक गिरी होती है, सबकी गिरी होती है, बीज होते हैं, लेकिन खजूर का क्या होता है, इसका भी बीज होता है लेकिन ये ऊपर से खाया जाता है या अंदर से खाया जाता है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट आंसर जो होता है आपका विषम होता है, आपको पता होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो ही हो रहा है, नजर आ ही रहा होगा। तो इसमें भी आपको विषम बताना होता है दोस्तों, सम पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, एक्स डब्ल्यू बी, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आर क्यू पी, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एच एफ ई, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एम एल के, ठीक है। अब इसे देखिएगा विषम बताना, तो किस तरीके से बताओगे, पहले लिख लीजिए पोजीशन, मैं आपको हरदम सजेस्ट करता रहूंगा, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन देखो तो पहले इनकी पोजीशन याद, अगर आपको पोजीशन याद है तो आप इन्हें वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, यदि नहीं है तो आप इसकी पोजीशन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार अगर आपने पोजीशन लिखनी सीख ली तो आपको समझ लो क्वेश्चन सोल्व करना आ गया, ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन बचने वाला कभी भी नहीं है। 24, 23, 22, 18, 17, 16, 5, 6, 8,
तेरह, बारह, ग्यारह, क्या नजर आ रहा है? चौबीस, तेईस, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक नहीं है, माइनस एक, माइनस एक, सब में माइनस है, माइनस सब में एक एक माइनस हो रहा है, सब में एक एक माइनस हो रहा है। क्या यहाँ पे एक माइनस हो रहा है? नहीं, यहाँ पे दो माइनस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी, ऑप्शन नंबर सी पे चले जाइएगा दोस्तों, राइट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सम विषम से लिया गया, तेईस, पहला ऑप्शन है तेईस, दूसरा ऑप्शन है आपका उनतीस, दूसरा ऑप्शन है उनतीस, तीसरा ऑप्शन है सैतीस, तीसरा ऑप्शन है सैतीस, चौथा ऑप्शन है तैतीस, चौथा ऑप्शन है तैतीस, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे आपको विषम बताना है, यहाँ आपको विषम बताना है। देखिएगा ये तो दो डिजिट है, ये आपकी दो डिजिट है या तीन डिजिट है, तो दो या तीन डिजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो आप किस तरीके की अप्रोच रख सकते हैं उसमें, या तो कीजिएगा क्यूब या कीजिएगा स्क्वायर, या फिर आपको भाज्य अभाज्य या सम विषम की नॉलेज आनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं क्या है, सैतीस, उनतीस, तेईस, ये क्या है, सब आपकी अभाज्य संख्या, यानी किसी भी चीज से नहीं कटेगी, प्राइम नंबर है आपके, ये आपके प्राइम नंबर है, किसी भी चीज से नहीं कटेंगे, लेकिन तैतीस यहाँ पे भाज्य नंबर है क्योंकि कट जाएगा आपका ग्यारह से। क्या ये सैतीस कटेगा? सैतीस किसी भी नंबर से नहीं कटता, सैतीस एवं अपने आप से ही कटेगा। उनतीस कटेगा? उनतीस किसी चीज से नहीं कटेगा, उनतीस भी अपने आप से ही कटेगा दोस्तों, और तेईस भी आपका किसी भी चीज से नहीं कटने वाला है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया गया होगा, एक बार फिर समझ लीजिएगा क्या है, एक बार फिर समझ लीजिएगा क्या है, एक बार फिर समझ लीजिएगा क्या है। देखिएगा तेईस, उनतीस, सैतीस, तैतीस, ये क्या है, ये सारे तीनों नंबर मेरे, ये मेरे तीनों नंबर अभाज्य हैं, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये सेवा केवल अपने आप से कट सकते हैं, और ये जो आपका तैतीस है ये आपका कैसे हो सकता है, ये आपका भाज्य नंबर है, ये किसी और से भी कट सकता है, ठीक है, यानी राइट आंसर यहाँ पे मेरा डी हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है दोस्तों वो लिया गया है आपका सीरीज से। आशा करता हूँ क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ रहे होंगे, यदि आपको कोई क्वेश्चन से डाउट है तो आप लिख सकते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। है देखिए क्या है, एफ आई एम पी टी, एफ आई एम पी टी, एफ एम एफ आई एम पी टी, 6, 9, 13, 16, 20, क्या नजर आया, +3, +4, +3, +4, ये देखिएगा ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं हल्का कब है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं हल्का क्वेश्चन कब है, जब है जब आपने या तो पहले एक बार किया हो या फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हो, तो जब ही हल्का होता आता है तो हल्का, नहीं आता है तो क्या है, भारी है, यही है होता है हल्का और भारी की परिभाषा बस केवल। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने एकदम रिलेट कर दिया, डायरेक्ट मुझे पता लग गया, तो आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे जो मैं करने वाला हूँ प्लस क्या करूंगा बताइए, +3 हुआ फिर +4 हुआ तो आपके बताइए क्या करूँ, +3 कर दूंगा, जब +3 करूंगा तो क्या होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, और 23 की वैल्यू आपको पता है 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है आपका W, 23 पे आता है W। अब W से मुझे एक चीज याद आ गई, यहाँ पे देखिएगा W होता है ऐसे, सॉरी M होता है ऐसे, और W होता है ऐसे, आपको पता ही है, ये जब 13 है तो ये क्या हो गया, ये आपका 23 है, ये 13 है ये 23 है, दो वैल्यू तो और आपको ये याद हो गई दोस्तों, ये दो वैल्यू आपको ये याद हो गई। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा क्या, 72, 65.7,
क्वेश्चन मार्क 53.1, 46.8, ये भी ये और ये। देखिएगा आपको हमेशा याद रखना, जहां भी आपको पॉइंट नजर आए तो वहां आपको हमेशा दो चीज होती है, या तो होती है गुणा या फिर होता है प्लस, या तो गुणा होगी या फिर प्लस होगा। मैक्सिमम अभी तक ये क्वेश्चन में देखा गया, मैं आपको हमेशा ये नहीं बता रहा कि हमेशा ये होगा, लेकिन अभी तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखे गए हैं SSC एग्जाम में फिर किसी अदर एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा जो बने हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन बने हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आठ। बहत्तर में से ये गया तो एक मिनट देखते हैं, बहत्तर में से ये गया तो क्या होगा, ये बच जाएगा 6.3। अब इसमें से 11 में से 8 गया तो 3 और 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 6.3। देखिए सब में 6.3 है, तो मुझे भी यहाँ भी 6.3 की सीरीज चलानी होगी। ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 3 गया तो 4 बचा, ठीक बचा कितना 5। 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 बचा, 59। ठीक है अब देखते हैं क्या 59 में से भी ये ऐसे जा रहा है। अगर आप इसमें से 59 में से ये घटाओगे 6.3 तो आपको ये भी यही मिलेगा। आशा करता हूँ सीरीज का क्वेश्चन है काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको कैलेंडर से भी आपके काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर आपके NTPC में सबसे कम क्वेश्चन कैलेंडर से पूछे गए दोस्तों। लेकिन ये जरूरी नहीं कि NTPC में पूछे गए तो किसी और एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई को है। ये एक लड़की है काव्या, इसका जन्मदिन जो है 4 जुलाई को है, 4 जुलाई को है, दिन था उस दिन मंगलवार। यदि अनिका का जन्म 15 अगस्त को हुआ, तो उस दिन कौन सा दिन था, ये दिन मुझे बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई कितनी की होती है आपकी 31 की आपको पता है, 31 में से जब 4 गए, 31 में से जब 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 27 दिन। तो ये और 15 दिन ही है, तो टोटल कितने हो गए, 27 दिन ये और 15 दिन ये हो गए आपके 42 दिन। 42 दिन हो गए। जब 42 को आप 7 से भाग करेंगे, 7 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है दोस्तों, दिनों की संख्या 7 होती है, 7 तो पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर बचा 0। अच्छा रिमाइंडर 0 होता है, जिस दिन से स्टार्ट करते वही दिन आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर, आपका आंसर जो आ जाएगा आपका मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कौन से मंगलवार, नेक्स्ट इसके ऑप्शन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर ऑप्शन नहीं नजर आ रहा तो ये क्वेश्चन केवल इसी तरीके से होने वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि आप टेस्ट में एंड तक बने रहते हैं तो इसमें आपको कुछ नया जरूर सीख के जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन है। दोस्तों मेरे पास एक चार बॉक्स है, मेरे पास क्या है, चार बॉक्स है। जब मेरे पास यहाँ पे चार बॉक्स हैं तो दोस्तों बॉक्स नंबर एक, बॉक्स नंबर दो, बॉक्स नंबर तीन, बॉक्स नंबर चार सॉरी चार बॉक्स में क्या है, सत्तर, एक में सत्तर है, एक में सौ है, यानी कि वजन मान लीजिएगा कोई नहीं है, संख्या मान लीजिएगा कुछ भी आप, बीस है और एक में चालीस है, चालीस है। तो इसका क्वेश्चन देखिएगा क्या है, का संयोजन कुल वजन कितने किलोग्राम नहीं हो सकता। अगर मैं सपोज ये दो मिलाता हूं तो यह हो गया अस्सी हो जाएगा, दो मिलाता हूं तो यह हो गया एक सौ बीस हो जाएगा, ये दो मिलाता हूं तो एक सौ सत्तर हो जाएगा, क्लियर है। तीनों को मिलाता हूं सत्तर बीस नब्बे एक सौ नब्बे हो जाएगा, इन दोनों को मिलाता हूं एक सौ बीस हो जाएगा, इन दोनों को मिलाता हूं साठ हो जाएगा। अब तीनों को मिलाना स्टार्ट करता हूं, यानी कि सब ये सब सब मिलाकर संयोजन बन गया है तो ठीक है, संयोजन नहीं बन रहा है, संयोजन नहीं बन रहा है तो ऑप्शन नंबर देखिएगा डी पे जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी पे जाइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पे, यानी कि जहां आपको 200 नजर आ रहा है, क्या 200 का संयोजन बन रहा, कभी भी नहीं बनेगा, एक साथ 200 का संयोजन नहीं बनेगा, देखते हैं कैसे। 120 120 और 40 140 नहीं है, 70 100 170 20 190 नहीं है, आप संयोजन मिला के देखिएगा, संयोजन नहीं बनेगा तो कौन सा नहीं बनेगा, 200 नहीं बनेगा, बाकी तो मैंने आपको आपको बना के दिखाई दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दोस्तों आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। देखियो मेरे पास एक वर्ड है, वर्ड है मेरे पास सिंबॉलिक, एक वर्ड है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक एक वर्ड है। इस वर्ड के यूज करके मेरे पास जो अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, एक ऑप्शन है बेसिक, एक ऑप्शन है बेसिक, एक ऑप्शन है आपका स्माइल, स्माइली, एक ऑप्शन है आपका स्माइली, एक ऑप्शन है आपका स्माइली, एक ऑप्शन है आपका क्लिम्ब, एक ऑप्शन है आपका क्लिम्ब, ऊपर लिख रहा हूं दोस्तों दिखाई दे रहा नहीं होगा, एक ऑप्शन है आपका क्लिम्ब, एक ऑप्शन है आपका कॉयल्स, एक ऑप्शन है आपका कॉयल्स, सी ओ आई एल एस कॉयल्स, कौन सा ऑप्शन नहीं बन पाएगा, देखिएगा अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन ये है आपका सिंबॉलिक, एस वाई, एस वाई एल आई नहीं बनाया जा सकता, यानी कि सब बन जाएंगे, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ए, क्या इस वर्ड में ए है, नहीं है, यू ही नहीं बनाया जा सकता, बाकी और चेक कर लेते हैं, एस है, एम है, आई है, एल है, वाई है, ये भी बन जाएगा, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए होने वाला है, किलिम, किलिम है, सी है, एल है, आई है, एम है, बी भी है, क्वेल सी सी ओ ओ आई आई एल एल एस एस, ये भी बन जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम रखते हैं यहीं पर, आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी, वीडियो में लास्ट बने लेने के लिए धन्यवाद। ठीक है नीरज, बहुत देर हो जाएगी।